ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ज़्यादा ह्यूज बाइक है। मतलब अभी आप देख सकते हैं मैं 6 फुट का हूँ, ये मेरे हाथ आ रहे हैं, ये देखो। होए 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 होए, सर्दियों की रात है, बाइक हमारे साथ, और ऐसी वैसी बाइक नहीं भाई, 10R हमारे साथ है। क्या हाल है भाइयों के, वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो अभी आपको एक एक्साइटमेंट लेवल दिख रहा होगा मेरी आवाज़ में बहुत ही ज़्यादा वाला, तो वो एक्साइटमेंट इसीलिए बिकॉज टुडे आई एम गोइंग टू बाय माय ड्रीम बाइक। तो सही सुना आपने, मैं लेने जा रहा हूँ ZX10R फ्रॉम यूट्यूब मनी। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज अ किड बैक इन 2008। वैसे तो ZX10R लॉन्च हुई थी 2004 में, बट मेरे को बाइक्स का इतना नॉलेज था नहीं, तो 2008 में मैंने देखी थी ZX10R, और भाई तब से मेरे को इतनी पसंद थी ना, मतलब एक जो छोटा बच्चा होता है ना उसके लिए मतलब एक चीज़ सपना बन जाता है उसका। सो दिस वॉज माई चाइल्डहुड ड्रीम टू ओन ZX10R, जो कि आज पूरा होने वाला है। ऑल्सो लेट मी टेल यू गाइस कि जो बाइक मैं ले रहा हूँ वो सेकेंड हैंड है, अभी नई जो है वो थोड़ी एक्सपेंसिव है, तो आई थॉट सेकेंड हैंड के लिए जाना चाहिए। अभी क्या सीन है, जिनसे मैं बाइक ले रहा हूँ वो एक लास्ट राइड करेंगे हमारे साथ, तो उस राइड में मैं भी पार्ट लूँगा, और देन उसके बाद वो बाइक हमारी हो जाएगी। जस्ट लुक एट इट गाइस, आई मीन क्या रोड प्रेजेंस है यार, अमेजिंग मैन, अमेजिंग। बाय द वे, अगर एक नज़र में देखे दोनों बाइक्स को तो दे लुक सिमिलर, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस है भाई दोनों में। आई कांट कैच ZX10R, बट स्टिल यार कोशिश तो कर रही है मैं बेचारी। ओ भाई साहब, 10R के पटाखे, बस यही सुनना था अभी मेरे को। So guys, your wait is over. This in front of me is Kawasaki ZX10R, भाई मेरी ड्रीम बाइक है, और देखो यार एक बार मतलब कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। तो आई एम नॉट अ बाइक टेक्नीशियन, तो कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा, बट जितना मेरे को नॉलेज, जितना आपको होना चाहिए इस बाइक के बारे में, उतनी डिस्कस कर लेंगे थोड़ी बहुत। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू अबाउट दिस बाइक। ये बाइक आती है 1000cc सेगमेंट में, बट इसका जो मेन cc है वो 998cc है। ये बाइक प्रोड्यूस करती है टॉर्क 114 point something का, वो भी 11400 RPM पे। भाई साहब मतलब इनसेन पावर है इसमें। तो जो मैक्स पावर ये वाली बाइक प्रोड्यूस करती है वो है 206 PS एट 13500 RPM पे, तो आप लगा सकते हो भाई इसमें कितनी ज़्यादा इनसेन पावर है। ऑल्सो इस बाइक में क्विक शिफ्टर आता है, क्विक शिफ्टर का मतलब ये है कि विदाउट क्लच आप डाउन शिफ्ट कर सकते हो और अपशिफ्ट भी कर सकते हो। ब्रेकिंग की बात करी जाए तो ड्यूल चैनल ABS है इसमें, तो सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा है कावासाकी ने। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल आता है, लॉन्च कंट्रोल आता है। ट्रैक्शन कंट्रोल ये होता है कि जब हम एकदम से एक्सेलेरेटर देते हैं तो टायर जो होता है वो स्किड करता है, तो ट्रैक्शन कंट्रोल से क्या होता है कि जो टायर स्किड होता है उसको बच जाता है वो, मतलब स्किड नहीं होता एक जगह से। सो जैसा मैंने पहले बताया आपको कि इसमें इनसेन पावर है, तो जो लॉन्च कंट्रोल है उससे ये होता है कि जो विली बच जाती है, मतलब अनइंटेंशनली
इंटेंशन नहीं होता विली मारने का और विली बच जाती है तो उसको रोक देता है वो। बाकी कुछ ज़्यादा मेरे पास बताने को है नहीं, ज़्यादा इसको बोरिंग नहीं करेंगे वीडियो को। चार सिलेंडर ये बाइक आती है, जस्ट लुक एट द कंसोल गाइस, आई मीन सारे पैसे इसके हैं यार। इसका जो आरपीएम मीटर है ना, मतलब इतना बढ़िया आरपीएम मीटर, मतलब मेरा मोस्ट फेवरेट आइटम है इस बाइक की। मतलब इतना बढ़िया होता है ना, मैं जैसे जैसे आगे आगे जाता है रेड से ऑरेंज हो जाता है, मतलब इतना सुंदर ना मैं क्या बताऊँ यार। सो गाइस अभी आपकी नज़र पड़ रही होगी कि ये क्या चीज़ है, तो लेट मी टेल यू दैट ये स्टीयरिंग डैम्पर। इसका क्या यूज़ होता है कि हाई स्पीड पर क्या होता है, जो हमारा हैंडल होता है वो ऐसे ऐसे वॉबल करता है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक है, ये वॉबलिंग जो होती है उसको कंट्रोल करता है और भाई मतलब थोड़ा मतलब रिस्क जो होता है वो कम कर देता है हाई स्पीड्स पे। लेट मी टेल यू मेन फैक्ट अबाउट दिस बाइक कि ये बाइक हिमाचल की सबसे फर्स्ट जेड एक्स टेन आर है। एक साल पुरानी बाइक है ये, वैसे हिमाचल में दो तीन और टेन आर हैं बट ऑफिशियली जो फर्स्ट टेन आर थी हिमाचल की वो यही है। ऑल्सो वेरी बिग शॉट आउट टू शोमिक जिसकी वजह से ये वाली वीडियो पॉसिबल हुई बनाना। बाय द वे लेट मी टेल यू गाइस, अभी आप मेरे को गालियाँ दे सकते हैं बिकॉज ये बाइक मेरी नहीं है। नानी お前はもう死んでいる जनता माफ नहीं करेगी, जनता माफ नहीं करेगी। मैं सिर्फ भाई के साथ राइड पे हूँ, भाई की बाइक है ये, और मैंने सिर्फ एक क्लिक बेट करा बिकॉज अगर कैरी मिनाटी गद्दे भेज सकता है किसी को तो मैं भी टेन आर ले सकता हूँ भाई YouTube मनी से। ऑल्सो लेट मी टेल यू कि इसका जो एक इंडिकेटर एक साइड का उसकी प्राइसिंग है 10,000 rupees और अभी तक YouTube ने मेरे को इतना भी नहीं दिया कि मैं इसका इंडिकेटर अफोर्ड कर सकूँ, तो 10R तो बहुत ज़्यादा दूर की बात है। गाइज ये पहला एक्सपीरियंस है मेरा 10R पे बैठने का और लेट मी टेल यू गाइज कि इसका जो वेट है वो 206 kilograms है और बहुत भारी है गाइज, और सिटिंग पोस्चर भी इसका बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। ट्रस्ट मी गाइज बहुत ज़्यादा ह्यूज बाइक है, मतलब अभी आप देख सकते हैं मैं 6 feet का हूँ, ये मेरे हाथ आ रहे हैं ये देखो, मतलब बहुत ज़्यादा ह्यूज है भाई ये, डर लग रहा है मेरे को भी, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। चेक आउट द अमीरी गाइस, आज मेरे पास DSLR भी है, आज मेरे पास 360 भी है भाई, आज मेरे पास GoPro 7 भी है, आज मेरे पास 10R भी है, अमीरी भाई साहब अमीरी मेरी नहीं पर भाइयों की। ऑल्सो लेट मी टेल यू गाइस कि जो भाई ने एसेसरीज इंस्टॉल कराई हैं इंक्लूडिंग फ्रेम स्लाइडर्स, शॉकर प्रोटेक्टर्स और बाकी एग्जॉस्ट वगैरह भी, एग्जॉस्ट ही भाई का 70,000 का है, तो ये जो टोटल एसेसरीज है भाई ने लगवाई हुई है इनका टोटल प्राइसिंग 1,50,000 तक है। तो ऑल्सो भाई को ऑन रोड ये पड़ी थी अराउंड 16 lakh तक, तो देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा भारी इन्वेस्टमेंट है। ऑल्सो लेट मी टेल यू दैट कि जो इसका माइलेज है हिल्स पे वो भाई ने बोला जो मीटर है वो दिखाता है अराउंड 13-14, तो बाकी आप देख सकते हो कि मीटर थोड़ा सा ज़्यादा दिखाता है, तो अराउंड 10-11 इसकी माइलेज हिल्स पे है। ऑल्सो लेट मी टेल यू गाइस कि ये जो एयर वेंट है इसका, ये असली और जो मेरी में वो शो पीस है, तो देख सकते हो कि यामाहा ने कॉपी करा है 10R का थोड़ा सा डिज़ाइन। सो गाइस अभी इसका एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं, कर दो भाई ऑन। सो गाइस जस्ट चेक आउट द एग्जॉस्ट, और एग्जॉस्ट नोट सुनो कितनी प्यारी आवाज़ है यार। फायर शॉट आप देख रहे हो, फायर निकल रही है। लाउड है ये, सबसे प्यारी इस बाइक में यही इतना सुंदर आरपीएमीटर है, मैं क्या बताऊं यार इसके बारे में। थोड़ी सी मतलब टेक्निकल बात कर लेते हैं इस बाइक के बारे में, अभी आप देख सकते हो कि जो इसका टेम्परेचर है वो 102 चला गया, तो जब 105 जाता है तो यहाँ पे अलार्म आ जाता है, और देखने वाली बात ये कि जब 115 पहुँच जाता है इसका टेम्परेचर तो बाइक खुद ब खुद बंद हो जाती है। तो अभी आप देख सकते हो रेडिएटर ऑन हो चुका है, मतलब पंखे वगैरह ऑन हो चुके हैं इसके, कि बढ़िया बाइक है, मतलब स्मार्ट बाइक है, बहुत ज़्यादा सही बाइक है ये। तो आई एम सॉरी फॉर दिस क्लिक बेट बट या आई होप आपको वीडियो देखने में मज़ा आ रहा होगा, 10R का मज़ा आ रहा होगा। अभी नहीं ले सकते इसको बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फ्यूचर में लेंगे इसको बिकॉज मेरी ड्रीम बाइक है, मेरा प्यार है ये, तो अगर आप सब ने चाहा तो पक्का इसको एक दिन हम लेंगे असली में भी, अभी तो क्लिक बेट करा है तो माफ़ कर देना गाइस।
3 hours later. So you can see in meter ki abhi na temperature nahi dikha rahi hai bike. To iska kya scene hota hai ki jab 40 se niche hota hai na ye temperature nahi dikhati hai. To isko pehle garam karna padta hai 40 degree tak, fir ye on hoti hai aur fir temperature dikhta hai. Matlab abhi hum chalayenge to chalegi bhi nahi. To abhi karte isko garam. So guys, by the way, let me tell you ki abhi hum the restaurant mein aur raat ho chuki hai aur ye wahi hotel hai jahan pe Mumbai ka Nikhil aaya tha aur wahan pe hum mile the usse. What a beautiful sunset, guys, with beautiful bike. Trust me, guys, this really feels awesome. Unless aisa off-road na jaye raste mein. Trust me, guys, this feeling is amazing. I just can't define it in words, but it is amazing. To witness your dream bike in front of you is amazing feeling, man, amazing. I don't know आपको इस टाइम कैसी आवाज आ रही है, बट जो आवाज मैं सुन पा रहा हूँ ना, मेरे को goosebumps आ रहे हैं इस आवाज को सुन के. ओ भाई साहब, और मिल गया हमको एक बैकफायर शॉट. आई होप कैमरे में कैप्चर हुआ हो भाई ये. ट्रस्ट मी गाइस, आप लोगों ने साथ दिया, यूट्यूब ने साथ दिया, भगवान ने साथ दिया, मेहनत मेरी होगी, रहमत उसकी होगी और प्यार आप सबका होगा. एक ना एक दिन ये भी आएगी हमारे पास. लुक एट द टायर साइज गाइस. आई डोंट नो मैंने आपको बताया कि नहीं बताया, बट इसमें आता 190 रेयर और 120 फ्रंट में टायर का साइज. तो अगर नहीं बताई होगी तो मैं इसको ऐड कर दूंगा, और अगर बताई होगी तो इस क्लिप को मैं ऐड करूंगा नहीं. और निकला रॉकेट, निकला रॉकेट, निकला रॉकेट.